ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वारदात हुई है। वारदात में चार्ज हैं वो भी मौके पर हैं और पूरे मामले की गहनता से जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको सेक्टर 13 के इलाके से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 13 इलाके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। घर घर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ी वारदात, त्योहार से पहले राखी का त्योहार कल है और उससे पहले यहाँ पर एक वारदात हो जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच करती हुई नजर आ रही है। जो चश्मदीद है उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। बताया जा रहा है कि गोली भी चली है और यह भी बताया जा रहा है कि बाइक लूट कर फरार हो जाते हैं, बाइक छीन कर फरार हो जाते हैं। और पूरा मामला क्या है इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे पुलिस से। सेक्टर 13 चौकी के इंचार्ज मौके पर हैं, साथ ही साथ सिविल लाइन थाने के जो इंचार्ज हैं वो भी मौके पर हैं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। ये चश्मदीद एक मिले हैं और उनसे ये बातचीत सामने निकल कर आई है। और आपने अपने भाषा में बात कर रहे थे, कैसी भाषा बोलो? भांजत पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। कोई कोई और कोई चक्कर चल रहा हो? कुछ छेड़ा कोई लड़के लड़के नहीं था, तीन 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 वाले नहीं। वो को भाषा में कुछ कह भी रहे हो? किस बात पे? नहीं, हम तो उतने देर में दरवाजा बंद किया और आवाज तो आई हो, दरवाजा बंद, आवाज तो आती है। जैसे एक तो बिहार की भाषा बोल रहा है, हरियाणवी बोल रहा हो, एक पंजाबी बोल रहा हो, ऐसे तो हरियाणी बोलता था। हरियाणी बोलता था हम लोग? कैसी मतलब कैसी एज कितने को? एज कितने को? मेरे से लंबा था। एज आईडिया 20-22 साल, 24 साल, 25 साल, इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे से हाइट का था। मेरे से हाइट का था। तो पुलिस से भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले चश्मदीद से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ देखा, कहां पर क्या कुछ हुआ। ये सामने गोली पटक रहा था, ये था गोली चलाई थी। हाँ जी। अच्छा, कितने लड़के थे बाइक पर? तीन लड़के थे। तीन एक ही बाइक पर तीन थे? और क्या लूट कर क्या ले गए हैं? ना खुद तो देखा नहीं जी। अच्छा, और गोली चलाई ये देखा आपने? पता नहीं गोली है पिस्तौल पटका जैसे मारता था। अच्छा, हवाई फायर किया था। और कुछ भी था उनके पास? ना, ऐसे बस सुराग पता नहीं कैसे निकलता था। कितनी देर पहले की बात ये है? तो हम 6-7 बजे होगा, टाइम नहीं दिखा जी, टाइम नहीं देखा। तीन लड़के थे, बाइक पर थे तीनों, और कोई बाइक और भी लेके गई है? ना ना, बस ये तीन है। तो आप देख सकते हैं ये चश्मदीद है। अंकल जी, आपको भी कोई जानकारी वारी वगैरह मिला? हवाई फायर की कोई साउंड वगैरह? नहीं, हमें तो नहीं मिला कुछ नहीं। फिलहाल पुलिस आई है यहाँ पर? हाँ, बस अभी पुलिस आई है, तो अभी हम लोग भी बाहर ही आए हैं देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं। तो इस तरीके से वारदात होना कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा करता है। बिल्कुल सरेआम, अगर सेक्टर 13 में इस तरह की बात होती है तो डर तो ही है, क्योंकि पोश इलाका है, लोग सेफ्टी तो, में तो खैर क्या है कि एक क्राउड सारे यानी कि कवर्ड है सारे, यानी हर घर, कोई भी खाली नहीं है जगह, फिर भी इस तरह की वारदात हो जाए। तो आप देख सकते हैं पुलिस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। घर घर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। रोशन लाल जी हमारे साथ मौजूद है, सिविल लाइन थाने के इंचार्ज हैं। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी, आप मौके पर पहुंचे हैं? सूचना मिली थी तो दो लड़के बाइक पर सवार थे जी, या बाइक थी KTM, KTM बाइक, KTM बाइक पर उस पर जी सर, KTM बाइक पर रोहित और मोनू नाम के दो लड़के थे। ठीक है। जारे दूंगे पीछे से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर तीन बंदे आए जी, तीन बंदे आए थे, उन्होंने आगे लगा के उसकी मोटरसाइकिल रखवा लिया, उसके साथ मारे बहुत अच्छा भाई की, और उनके बयान के मुताबिक बता रहे हैं, उन्होंने कहा भाई तुम लड़की छेड़ी है, ये कह बाइक रखवाई थी, उसके बाद उससे वो बाइक छीन के ले गई। कोई गोली चलने की बात भी आई है? पड़ोसियों से पूछा है, मतलब आवाज आई थी, बाकी वहाँ खोल वगैरह वगैरह अभी तक कुछ नहीं मिला। जो दो लड़के हैं उन्होंने कुछ बताया गोली चली है? उन्होंने कहा है आवाज आई थी, और उन्होंने बताया बोले हम तो उस टाइम छोड़ कर भाग गए थे। तो फिर यहाँ सीसी फुटेज चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं जो भी। कहाँ के रहने वाले हैं वो दो लड़के? सर वो
बड़ी मार्केट के रहने वाले मॉडल टाउन के रहने। कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, घायल कोई नहीं। तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है? सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं और जिस जिस घर में लग रहा है उसका रूट चेक कर रहे हैं, मतलब रास्ता चेक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से जाता मिलेगा कहीं जो भी क्लियरिटी की पिक्चर मिली उसको पिक्चर को लेकर उनको पहचानने। कितने बजे की वारदात है सर? ये लगभग 7 बजे की वारदात। 7 बजे की वारदात। वारदात करने वाले कितने लोग थे? 3 आदमी थे। तो आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करती हुई नजर आ रही है, घर घर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केटीएम बाइक लेकर फरार हो जाते हैं लुटेरे, यानी कि एक बाइक पर 3 लुटेरे आते हैं, वो शायद स्प्लेंडर बाइक पर आते हैं, उनके पास ये भी बताया जा रहा है कोई देसी कट्टा या पिस्तौल हो सकती है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो एक बाइक को रुकवाते हैं, जिस बाइक को रुकवाया जाता है वो केटीएम बाइक थी, और जब केटीएम बाइक को रुकवाया जाता है तो केटीएम बाइक पर 2 लड़के सवार थे जो बड़ी मार्केट मॉडल टाउन के रहने वाले हैं, उनको यह कहा जाता है कि तुमने लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, यह कहकर बाइक को रुकवाया जाता है, बाइक आगे लगाई जाती है और उनसे बाइक छीनकर फरार हो जाते हैं। जब बाइक छीनते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों लड़के जिनकी केटीएम बाइक थी वो भाग जाते हैं, कहीं उनके ऊपर गोली ना चल जाए। पड़ोसियों से पूछा गया है, साथ ही साथ और लोगों से पूछताछ की गई है, उन दो लड़कों से पूछताछ की गई है, उन्होंने भी बताया है कि शायद उन्होंने हवाई फायर भी किया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल पुलिस सेक्टर 13 इलाके में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, जांच पड़ताल कर रही है घर घर जाकर ताकि सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगाले जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिकायत दर्ज करवा दी गई है और शिकायत दर्ज होने के बाद पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। राखी का त्योहार कल है और उस त्योहार से पहले इस तरीके की वारदात होना, आप समझ सकते हैं कि लोगों में डर का माहौल जरूर पैदा होता है, और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहां पर सिविल लाइन थाना के इंचार्ज पहुंचे थे, सेक्टर 13 चौकी के इंचार्ज पहुंचे थे, जानकारी मिली थी कि 7 बजे के आसपास सेक्टर 13 के इलाके में हो जाती है लूट, लूट होती है बाइक की, केटीएम बाइक जो एक स्पोर्ट्स बाइक होती है जिसकी रफ्तार भी तेज होती है, उस बाइक को लूटकर लुटेरे फरार हो जाते हैं। दरअसल होता क्या है, एक बाइक पर 3 लड़के सवार थे जो स्प्लेंडर बाइक है, जो लुटेरों की बाइक है, और एक बाइक पर 2 लड़के सवार थे जो केटीएम बाइक है, जो पीड़ित की बाइक है। वो दोनों जो है सेक्टर 13 के इलाके से जा रहे थे, उन्हें कहा जाता है कि तुमने लड़की छेड़ी है, तुमने लड़की छेड़ी है, और ये कहकर उनके आगे बाइक अड़ा दी जाती है। स्प्लेंडर बाइक जब अड़ा दी जाती है तो फिर यह भी बताया जा रहा है कि देसी पिस्तौल निकाली जाती है, और जिसके कारण वो लोग डर जाते हैं, जो केटीएम बाइक पर लड़के थे वो डर जाते हैं, वो अपनी बाइक छोड़कर भाग जाते हैं ताकि उनकी जान बच सके, और जब जान बच जाती है वो भाग जाते हैं, सेक्टर 13 चौकी जाते हैं, वहां शिकायत दर्ज करवाते हैं, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। ऐसी भी जानकारी मिल रही है, ये पुख्ता तौर पर फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि हवाई फायर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन देसी पिस्तौल थी उनके पास, बाइक पर सवार होकर वो आए थे, केटीएम बाइक छीन ली जाती है। केटीएम बाइक काफी महंगी आती है, स्पोर्ट्स बाइक होती है और अक्सर युवा उस बाइक को चलाना पसंद करते हैं, वो बाइक उनसे छीन ली जाती है, और जब पुलिस को इस बात की शिकायत मिलती है तो सेक्टर 13 चौकी के इंचार्ज और सिविल लाइन थाने के इंचार्ज सेक्टर 13 के इलाके में आते हैं और यहां पर आकर जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं। घर घर जाकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया है। भागते हुए लुटेरे जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन नंबर नजर नहीं आ रहा है, और नंबर अगर नजर आ जाता तो बहुत सारी जानकारियां पुलिस को मिल जाती। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सेक्टर 13 पौश इलाका, लेकिन वहां पर हो जाती है शाम के समय लूट की वारदात, और यह भी बताया जा रहा है हवाई फायरिंग हुई है। अगर हवाई फायरिंग हुई है तो फिर ये और ज्यादा बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि लोग यहां पर सुरक्षित रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहां पर लूट की वारदात इस समय शाम के समय हो जाना एक कहीं ना कहीं जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े करता है। पुलिस इन लुटेरों को कब तक गिरफ्तार करती है, क्योंकि लगातार ऐसी लूट की वारदातें हो रही हैं और उसके बाद पुलिस लगातार गिरफ्तार भी कर रही है, लेकिन इस लूट की वारदात के बाद लुटेरों को कब तक गिरफ्तार किया जाए
जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरीके की कोई वारदात होती है तो पुलिस को जल्द से जल्द संपर्क करिए ताकि उन लुटेरों तक, उन चोरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।